हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीपन, आपका दोस्त, और बाजार इनसाइट के यूट्यूब चैनल में आपको फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि जानते हैं, मैं हर रोज़ आता हूं मार्केट आवर्स की बाद नेक्स्ट डे ट्रेडिंग पर्पस कॉल्स लेके आता हूं। तीन कॉल्स ऐसे लेके आता हूं जिसमें आप नेक्स्ट डे यानी कि कल जाके इंट्राडे में ट्रेड कर पाएंगे विथ टारगेट एंड स्टॉप लॉस। और उसके साथ निफ्टी बैंक लिमिटेड का भी लेवल्स बताता हुआ जाता हूँ मैं, उसके बेसिस पे आप ट्रेड कर पाएंगे। तो पहले तो दोस्तों, मेरा जो आपका टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। वो लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में डाल दिया हूँ, उसमें ज़रूर ज्वाइन कीजिए। क्योंकि इसमें क्या होता है, कभी कभार जो कॉल्स मैं यहाँ पर देता हूँ उस पर अगर एग्ज़िट करवाना होता है, बुकिंग करवाना होता है, तो वहाँ पर मैं पोस्ट कर देता हूँ। उसके साथ निफ्टी का मार्केट ओपन होने से पहले मैं लेवल्स दे देता हूँ, ठीक है, और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कॉल्स भी वहाँ, लाइव कॉल्स भी वहाँ पोस्ट करता हूँ, ठीक है। तो उसको ज़रूर ज्वाइन करना है, लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पर कमेंट सेक्शन में डाल दिया है, ठीक है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। ये जो मैं कॉल्स लेके आता हूँ, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसका कोई फीस नहीं होता है, ठीक है। मैं एक सेल्फ ट्रेडर हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं हूँ, कोई एडवाइज़र भी नहीं हूँ, मैं एक ओनली सेल्फ ट्रेडर हूँ। मेरे ट्रेडिंग के हिसाब से जो व्यू बनता है, वही मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ आप लोगों के हेल्पिंग पर्पस, फ्री ऑफ कॉस्ट। हर रोज़ मैं आता हूँ, ये शेयर करके जाता हूँ। तो दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर एडुकेशनल पर्पस, ठीक है। और दोस्तों, जो लोग नए हैं, जानते नहीं, मेरा जो ट्रेनिंग सेशन रहता है, उसका नेक्स्ट बैच 5 अक्टूबर से चालू होने को जा रहा है। 5 अक्टूबर से जो बैच आने का जा रहा है, वो ये ट्रेनिंग सेशन 10 दिन का होता है, 10 लाइव क्लासेस रहता है, मैं क्लास लेता हूँ वहाँ पर। इंट्राडे ट्रेडिंग के सारे चीज़ें रहता है, कैसे इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्ट करना है, कैसे उसके ऊपर ट्रेड करना है, पूरा सेटअप देता हूँ। उसके साथ प्राइस एक्शन से शुरू करके स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन चेन और टेक्निकल एनालिसिस सच एस चार्ट ट्रेडिंग, कैंडलस्टिक पैटर्न, टेक्निकल इंडिकेटर्स, वेव्स, सारे चीज़ें वहाँ पर रहता है। उसका जो फीस है दोस्तों, एकदम कम से कम है। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, सीट्स अभी से बुक कीजिए, क्योंकि लास्ट बैच का बहुत सारे बंदे हैं जिसको सीट्स मैं उस बैच में नहीं दे पाया था, करंट जो बैच चल रहा है वो लोगों ने शिफ्ट कर दिया है नेक्स्ट बैच में, तो ऑलरेडी सीट्स कम है नेक्स्ट बैच के लिए, ठीक है। तो आप लोग, जो लोग इंटरेस्टेड है, सीखना चाहते हैं, लगता है आपको इंट्राडे की ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने के लिए सीखना ज़रूरी है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, पहले कल का जो मैं 3 कॉल लेके आया था उसका रिव्यू कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कल मैंने जो 3 कॉल लेके आया था, उसमें से 2 बाई कॉल था, 1 सेल कॉल था। तो पहले आप चाहे तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, इसको पॉज करके यहाँ पर जाके कल के वीडियो जो मैंने दिया था, इंट्राडे स्टॉक्स फॉर टुमारो 24 सितंबर, यानी कि आज के लिए, वो आप देख सकते हैं। मैं बार बार मैं एक चीज़ बोल देता हूँ कि अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, नेगेटिव में ट्रेड करता है, और जो स्टॉक में देता हूँ उसका जो सेक्टर है वो अगर नेगेटिव में ट्रेड करते हैं, तो हम लोग वो बाई कॉल को ट्रेड नहीं करेंगे। वो कल भी मैंने बोल दिया था, आज के लिए भी सेम ये मेरा जो कॉज रहेगा उसका, इसका कुछ नियम है, ठीक। तो उसको तो हम लोग नहीं कर पाया, जो बाई कॉल था दोनों, वो तो एक्टिवेट नहीं हुआ। जो सेल कॉल था वो एक्टिवेट हुआ था, ठीक है। वो वहाँ पर हम लोग को डीएलएफ में सेल कॉल था, और डीएलएफ में आपको देखिए, आज थोड़ा ऊपर से ओपन हुआ, फिर नीचे चला आया, फिर ऊपर गया, फिर से नीचे जाके क्लोज हुआ, और इसका जो आज का लो दिया है 144.4 का, ठीक है। तो हम लोगों का 142 का टारगेट था, तो आसपास तो गया था डीएलएफ, ठीक है। तो इसमें जो लोग सेल किए थे, आज प्रॉफिट उनको मिला है, ठीक है। और अभी हम डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। कल मैंने बार बार आप लोगों को बोला था कि निफ्टी में नेगेटिव ट्रेंड है, ठीक है। ये एक वीकली आपका चार्ट है, तो इसको मैं डेली करके आप लोगों को दिखाता हूँ आज क्या सिनेरियो रहा। कल मैंने बोल दिया था निफ्टी जो लास्ट सपोर्ट था वो ब्रेक कर चुका है, तो नीचे ही जाएगा, तो फिर से वही हुआ। आज 3% के आसपास निफ्टी नेगेटिव आया था, और इसका जो आज का हाई था वो था 11,014 का, और जो लो दिया है 10,790 का, ठीक है। और इसका क्लोजिंग हुआ है 10,822 का। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो सिनेरियो है अभी वीकली चार्ट में जो दिख रहा है,
यहाँ पर थोड़ा 50 डेज का मूविंग एवरेज जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वहाँ पर थोड़ा सपोर्ट ले सकता है निफ्टी यहाँ से, ठीक है। हो सकता है यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ निफ्टी करेक्शन करे, लेकिन अभी भी ट्रेंड नेगेटिव ही है, तो ऊपर जाए तो हम लोग सेल करके इसको चलेंगे, ठीक है। तो ये था आज का कल के लिए निफ्टी का व्यू। बैंक निफ्टी में मैं बहुत दिनों से आप लोगों को बार बार बोल रहा था कि ये नेगेटिव है, अराउंड मैं 22,500 की लेवल से मैं बार बार आप लोगों को बोला ये नेगेटिव है, तो आज इसका जो लो दिया है 20,407 का, ठीक है। आप ओल्ड वीडियो देख सकते हो, वहाँ पर बार बार मैं बोल दिया था, कल भी मैंने बोला था ये जो लास्ट सपोर्ट जोन था ये इसको टूटा और यहाँ पर सपोर्ट तो ले रहा था लेकिन टूट गया, वो कल भी मैंने बोला था। तो आज का इसका जो हाई था वो आपका 20,955 का, लो दिया है 20,407 का, क्लोजिंग जो हुआ है 20,473 का। तो इसमें अभी भी वीकनेस ही नज़र में आ सकता है, थोड़ा करेक्शन करे क्योंकि इतना दिन ऊपर से नीचे आया है, थोड़ा करेक्शन हो सकता है लेकिन ज़्यादा करेक्शन नहीं होगा, फिर से नीचे ही आएगा। तो बैंक्स निफ्टी के साथ साथ बैंक्स का जो स्टॉक्स है उसमें भी गिरावट आ सकता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। अब आगे बढ़ेंगे 3 कॉल्स को लेके। उसके पहले दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, हर रोज़ मैं आता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, थोड़ा लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है, क्योंकि थोड़ा लाइक और कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, हर रोज़ मैं वीडियो डालने का मोटिवेशन मिल जाता है। तो कुछ ना कुछ कमेंट करके जाइए और लाइक ज़रूर करिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा एवरीडे, ठीक है। और एक चीज़ दोस्तों वो मैं बाद में बोलूँगा, पहले कॉल्स तो दे देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ जो कॉल कल के लिए जो कॉल्स है उसमें फर्स्ट कॉल है कोटक बैंक का, ठीक है। कोटक बैंक में आज क्या हुआ पहले देख लेते हैं। कोटक बैंक का आज का जो हाई था वो था 1,284 का, ठीक है, और जो लो दिया था 1,236 का, और क्लोजिंग हुआ है 1,241 में, ठीक है। तो हम लोगों के लिए कोटक बैंक में कल के लिए जो कॉल है वो एक सेल कॉल है, ठीक है। कोटक बैंक में हम लोग सेल करके चलेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा वीकनेस है, तो हो सकता है कोटक बैंक उसके अंदर, मतलब बैंक निफ्टी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, उसके अंदर बैंक निफ्टी नीचे आएगा तो कोटक भी नीचे आ सकता है, ठीक है। तो कोटक बैंक में जो हम लोगों का कल के लिए कॉल है वो लिख लीजिए, कोटक बैंक सेल नियर 1,260, स्टॉप लॉस 1,284, टारगेट 1,238। फिर से मैं बोल देता हूँ, कोटक बैंक सेल नियर 1,260, स्टॉप लॉस 1,284, टारगेट 1,238। और दोस्तों फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ, अगर निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, बैंक निफ्टी ऊपर गया, तो हम लोग इसमें सेल कॉल में अटेंड नहीं करेंगे, ठीक है, ये सुन लीजिए। ये चीज़ें अगर आपके नॉलेज नहीं हो तो आप कभी भी किसी की कॉल पे भी कहाँ पर भी आपको आपसे नहीं हो पाएगा प्रॉफिट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों फर्स्ट कॉल। तो सेकंड कॉल में मैं जाऊँगा, और उसके पहले मैं एक चीज़ फिर से आपको बोल देता हूँ, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं कॉल्स भी देता रहता हूँ, निफ्टी का लेवल्स भी देता रहता हूँ, तो उसको ज्वाइन कीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ पर क्लिक कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर जोड़ जाइए मेरे साथ, ठीक। तो सेकंड कॉल जो दोस्तों है वो है टाटा मोटर्स में, ठीक है। पहले देख लेते हैं टाटा मोटर्स में आज का सीनरियो क्या बना था। टाटा मोटर्स में लास्ट डे भी मैंने आप लोगों को 2 दिन का पहले का वीडियो अगर आप देखेंगे वहाँ पर मैंने आप लोगों को बोला था टाटा मोटर्स में डेली चार्ट में एक एम शेप क्रिएट हुआ है, और मैंने ये भी बोला था कि अगर ये एम का नीचे वाला जो डबल टॉप ऊपर वाला जो हुआ था उसका जो सपोर्ट रेंज है यहाँ पर मैंने बोला था 128 के आसपास, वो अगर टूट जाते हैं तो इसमें भारी गिरावट हो सकता है। तो वही हुआ आज, उसको टूटा, और इसका जो हाई था 128.8 का और लो दिया 122.15 का। तो जो लोगों ने वो वीडियो देखा था शायद उन लोगों ने सेल किया है और प्रॉफिट भी उन लोगों को मिला है, और इसका क्लोजिंग आज 122.75 पे आया है, ठीक है। तो दोस्तों फिर से मैं आज मैं बोल देता हूँ टाटा मोटर लास्ट स्विंग का जो था उसमें उसके आसपास है, यानी कि यहाँ पर सपोर्ट जोन पर यह ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हो सकता है यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ मूवमेंट शुरू होगा।
अगर ये सपोर्ट को ये रेस्पेक्ट करता है, ठीक है, पहले हम कॉल ले लेते हैं, उसके बाद मैं बोल दूंगा आपको इस पर कैसे फिट करना है। कॉल जो है टाटा मोटर्स में कल के लिए बाय कॉल है। टाटा मोटर्स बाय नियर 121, स्टॉप लॉस होगा 117, टारगेट होगा 129.5 का। टाटा मोटर्स कल के लिए बाय नियर 121, स्टॉप लॉस होगा 117 और टारगेट होगा 129.5 का। फिर से दोस्तों निफ्टी को पॉजिटिव होना है। अगर निफ्टी पॉजिटिव होता है और इसका जो टाटा मोटर्स का जो सेक्टर है यानी कि निफ्टी ऑटो, उसको भी पॉजिटिव होना है तो ही आप इसमें ट्रेड कीजिए, नहीं तो अगर नेगेटिव होता है वो सारे चीज़ तो आप इस पर इग्नोर कीजिए। सेल वाला जो कॉल है, मैंने फर्स्ट कॉल जो दिया उसको अटेंड कीजिए, ठीक है। और ये सारे चीज़ों को डिटेलिंग में अगर आपको सीखना है, मेरा 5 अक्टूबर से नेक्स्ट बैच आने को जा रहा है, ट्रेनिंग सेशन जो रहता है 1 घंटे का, 10 लाइव क्लासेस मैं खुद लेता हूँ, वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, सिखाता हूँ आप लोगों को कि कैसे ऐसे चार्ट को रीड करना है, इसके ऊपर कैसे ट्रेड करना है और इंट्राडे के लिए स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर ट्रेड कब करना है, कब उसको अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ों अगर आपको पास नहीं जानकारी है तो कॉल टिप फॉलो करके आपका ज़िंदगी नहीं चलेगा। ये आप लिख लीजिए, सुनने में खराब लगता है लेकिन आपका लॉस ही होगा दोस्तों, ठीक है। आपके भले के लिए ये चीज़ें आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोफेशन में हो, वहाँ पर अगर आपका प्रॉपर ट्रेंड आप नहीं हो, कोई भी प्रोफेशन में आप हो, उसमें अगर आपका जानकारी, आपका एडुकेशन उस पर नहीं है, तो क्या आप वहाँ पर नौकरी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। सेम चीज़ आपके लिए भी है। अगर आपका इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता, एडुकेशन नहीं है, कहाँ पर लेना है, छोड़ना है, एंट्री करना है, कैसे किस स्टॉक पर ट्रेड करना है, सारे चीज़ों पर अगर आपका नॉलेज नहीं है, तो ये लॉन्ग टर्म में जाके आपको पैसा नहीं देने वाला है, आपका हार्ड अर्न मनी लॉस हो जाएगा। उसके अच्छा है एक स्मॉल फीस है, स्मॉलेस्ट फीस है एक्चुअली, एक ट्रेड में और आपको वो निकल के आएगा मार्केट से, ठीक है। सीखिए पहले 10 डेज मैं सिखाता हूँ, डिटेलिंग में सिखाता हूँ सारे चीज़ें। 5 अक्टूबर से नेक्स्ट बैच है और उसका सीट्स जो है लिमिटेड है, क्योंकि लाइव आपका कॉल में मैं वो सिखाता हूँ, तो उसके लिए आप सीट अभी से बुक कीजिए, व्हाट्सअप नंबर दे दिया है मैंने, ठीक है। तो दोस्तों थर्ड कॉल में जाऊँगा। थर्ड कॉल जो है दोस्तों हम लोगों का इन्फोसिस में है, ठीक है। इन्फोसिस में मैं जो वीकली कॉल देता हूँ, लास्ट आपका सैटरडे को मैंने जो वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया था कि इन्फोसिस में थोड़ा करेक्शन आने वाला है, तो वही चीज़ें हो गया, ठीक है। तो करेक्शन आ गया और वीकली में हम लोगों का जो वीडियो था वो आप देख सकते हैं, ओल्ड वीडियो में सैटरडे वाला जो वीडियो है वहाँ पर जाके, ठीक है। और मेरा जो ट्रेनिंग सेशन रहता है उसका जो डेमो वीडियो है वो भी मैं डाल दिया हूँ आई बटन में और कमेंट सेक्शन में भी डाल दिया हूँ। उसका एक डेमो क्लास मैंने ऐड करके रखा है, लाइव क्लास जो मैंने पहले कोई बैच में लिया था वो क्लास, उसको मैंने ऐड कर दिया है। चाहे तो उसको एक बार देख लीजिए, अच्छा लगे तो ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो इन्फोसिस में आज का जो सिनेरियो बना, इन्फोसिस का हाई था 1006.4 का और लो हुआ 970 का, ठीक है, और क्लोजिंग हुआ है 977 का, ठीक है। तो दोस्तों इन्फोसिस में कल के लिए हम लोगों के यहाँ पर एक सपोर्ट नज़र आ रहा है, तो इस पर हम लोग बाई करके चलेंगे इन्फोसिस, ठीक है। लेकिन फिर से निफ्टी पॉजिटिव होना है और इसका जो सेक्टर यानी कि निफ्टी आईटी, उसको भी पॉजिटिव होना है तो ही हम लोग उसको बाय करेंगे, ठीक है। पहले वो चीज़ देख लेंगे और उसके बाद उसको बाय करेंगे, ठीक है। आपको ये सारे चीज़ नहीं आता तो ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कीजिए, मैं सिखाता हूँ डिटेलिंग में, ठीक है। इन्फोसिक्स में बाय जो है दोस्तों वो होगा 965 के आसपास और स्टॉप लॉस जो होगा 938 का और टारगेट जो होगा 1003 का। फिर से मैं बोल देता हूँ, इन्फोसिस बाय नियर 965, स्टॉप लॉस होगा 938, टारगेट होगा 1003 का, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके जाना और कमेंट में कुछ ना कुछ लिख के जाइएगा, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों की कमेंट। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कल फ्राइडे है, फिर से मैं आऊँगा आफ्टर मार्केट आवर्स मंडे के लिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।